अलीगढ़ के पनेठी चौकी इंचार्ज सिद्धार्थ कुमार का ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक व्यक्ति से लेन देन की बात करते हुए दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी घटना थाना अकराबाद की है, जहां दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड शराब का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। अपने पैसा तो पी खा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कितनी दुकान खुल रही है सुबह, अगर रोहित की बुराई करते कोई मतवाली छेड़ते बस स्टैंड चौकी पे देखे चौकी पे रहे, और हम और तुम एक बार उसमें गए जो पाइप ना काटियो। इससे पहले अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने 24 घंटे पहले ही जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना इंचार्ज के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए थे कि कोई पुलिस विभाग का आदमी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना पाया जाए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि पुलिसकर्मी आम जन के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। एसएसपी के निर्देश के बावजूद भी अकराबाद थाना क्षेत्र की चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज सिद्धार्थ कुमार का एक ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में सिद्धार्थ कुमार एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। हेलो, हाँ बताओ सर। मीनू करो 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 भिजवा दूँ। 10,000 की व्यवस्था है, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं सर है ना, वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना करता हूँ जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इस बात मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ना है। सही बात तो ये है, अगर जान बचानी है सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी तो खैर मैं बाहर हूँ, पर गांव तक आओगे भिजवा दे रहा हूँ। और कह रहे हैं कि 20,000 रुपए भेजो, मुझे ऊपर किसी को देने हैं। दूसरी तरफ से व्यक्ति 10,000 रुपए देने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन चौकी इंचार्ज 20,000 की मांग पर ही डटे हुए हैं और इसी मांग को करते हुए वो सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद घटना का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने तत्काल प्रभाव से पनेठी चौकी इंचार्ज सिद्धार्थ कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज सहित 4 लोगों को लाइन हाजिर करते हुए कड़े शब्दों में पुलिस अधिकारियों को निर्भय निर्देशित किया है कि इस तरह के कृत्य पाए जाने पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।